हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मेरे दोस्तों ने ही मुझसे कमेंट किया है कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे करना है। वीडियो था कि आपके आधार कार्ड पे कितने सिम चल रहे हैं या कितने सिम एक्टिवेट चल रहे हैं, ये सारी जानकारी इसमें मिलती और किस वेबसाइट से मिलनी है। तो सभी को ये समझ नहीं आए, इसके लिए शॉर्ट वीडियो नहीं फुल वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वेबसाइट कौन सी थी और कौन सी नहीं है। चलिए गाइस, आपको बताते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर कि कैसे चेक किया जाता है कि आपके यानी आपकी आईडी पर कितने सिम चालू हैं, और चालू हो तो क्या वो सारे आपके हैं या किसी का कोई दूसरा सिम चला फ्रॉड में, आपको पता भी नहीं है। तो उसके लिए पहले आप चाहे मोबाइल हो या फिर आपका कंप्यूटर पीसी लैपटॉप जो भी हो उस पर, चलिए सिस्टम पे चल के बताते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। गाइस सबसे पहले आपको अपना पीसी ओपन कर लेना है या मोबाइल पे जो ब्राउज़र चलाते हैं उसे ओपन कर लेना है। गाइस नॉइज़ बहुत होगा क्योंकि मैं अपनी शॉप पे हूँ तो यहाँ पे नॉइज़ होगा। तो आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ब्राउज़र में जा कर के आपको लिखना है fcop.dgtelecom telecom.gov.in, आपको नीचे मिल जाएगी लिंक और इस पर ओपन कीजिए, इस पर टाइप कीजिए और ओपन कीजिए इसको। और ये जो सबसे ऊपर की जो वेबसाइट शो हो रहा है टैप कॉप कस्टमर पोर्टल, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ये पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जब भी आप यूज़ करते हो, और जब OTP आपके मोबाइल नंबर पे आ जाए तो OTP को सबमिट करना है। OTP सबमिट करने के बाद जो पेज खुलेगा उस पर आपके आधार कार्ड पर कितने नंबर एक्टिव हैं वो सारे के सारे आपको दिखा देगा। ये देखिए, अगर आपको लगता है इनमें से कोई मोबाइल नंबर आपका नहीं है तो सिंपल सा है, आपको यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ यूज़र, यहाँ पे जाइए, जो आपका नाम है वो टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद नीचे आइए, जैसे कि ये मेरा नंबर नहीं है, मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए दिस इज़ माई नॉट नंबर पर क्लिक कीजिए एंड रिपोर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आ चुका है रिपोर्ट सबमिट, ट्रैक आईडी भी आ चुका है, आपके मोबाइल नंबर पे SMS भी आ जाएगा इसका। उसके बाद इसे ओके कर दीजिए और फिर आपका जो आधार पे जितने नंबर हैं आपको ये पता चल जाएगा, और साथ में जो नहीं है नंबर वो बंद भी कर सकते हैं। गाइस ये बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं, मैंने इजी तरीके से बता दिया है। PCP आपके मोबाइल पे भी सिंपल है। क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिए और ब्राउज़र में टाइप कीजिए fcop.dgtelecom.gov.in, और जो वेबसाइट ओपन होगी वो सेम तरीके से जैसे PCP पे चलती है वैसे आपके मोबाइल में भी चलेगी। और इसी तरीके से आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके OTP डाल करके चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं एक्टिव, और अगर जैसे कोई नंबर मिलता है जिसे आप नहीं जानते तो उसे बंद भी कर सकते हैं वहीं से। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।